जय हिंद डियर स्टूडेंट, इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? लगभग सभी वीडियोस में आप इस प्रकार के कमेंट देख सकते हैं, तो उन्हीं कमेंट्स को देखने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना के बताता हूँ। देखिए, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है ना। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो आप सभी ने कुछ बच्चे तो समझ गए, लेकिन कुछ बेचारे बहुत ही भोले भाले हैं, उनको नहीं समझ में आया। तो देखिए, 8 नवंबर 2020 को जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, तो 26 नवंबर 2020 को रिज़ल्ट आपका आ गया था। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इस बार का जो लास्ट एग्ज़ाम था वो 8 जुलाई 2021 को हुआ था, है ना। तो अब इसका रिज़ल्ट जो आने की संभावना है वो है 4 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक। पिछली बार मैंने यहाँ पर अगस्त भुला करके जुलाई ही लिख दिया था, है ना। लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि आप 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो 4 जुलाई को कैसे आ जाएगा, ये आप नहीं समझ सकते हैं कि इरर हो सकता है लिखने में। टेक्निकल चीज़ है, प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। खैर, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए थे कि सर अगस्त की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आज आई थिंक 4 तारीख है, तो हो सकता है कि आने वाले 8 तारीख तक, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर में आपका रिज़ल्ट आ जाए, है ना। अगर पिछली बार के हिसाब से आएगा तो, और हो सक इस बार एग्ज़ाम आपका लेट भी हुआ है तो रिज़ल्ट के चांसेस हैं कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की कि एयरफोर्स क्या कहता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरफोर्स 17 नंबर के रूल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पर 17 में फेज़ 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन अप विल बी अपलोडेड ऑन एयरमैन सेलेक्शन .cdse.in within 1 month। ये 1 month का जो समय इन्होंने मांगा है ये मैक्सिमम है, लेकिन अब तक कभी भी 1 महीना नहीं लगा है आपके रिज़ल्ट आने का। जब टाइम पर रिज़ल्ट होता है, मतलब टाइम पर जब एग्ज़ाम होता है, तब बहुत से ज़्यादा 15 से 20 दिन, या एक बार ऐसा हुआ था कि 22 दिन के आसपास रिज़ल्ट आया था, तो 1 महीना तो कभी नहीं हुआ है, उसके पहले ही आ जाता है। और इस बार आपका एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि जिस प्रकार से पिछली बार बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट आ गया था, उस प्रकार से इस बार भी बहुत ही जल्द रिज़ल्ट आने की संभावना है। ये तो खैर संभावनाएँ वाली बात है, रिज़ल्ट आपका आएगा ही, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं आपसे, जो बच्चे ग्रुप डिस्कशन की टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका देखिए इतना मेहनत किया कराए सब बेकार हो जाएगा अगर आप अब से भी अगर ट्राई नहीं कर रहे होंगे तो। मान लेते हैं कि आप एयरफोर्स में पास हो जाएंगे, पास होने के लिए ही आप मेहनत किए, एग्ज़ाम दिए, सारी चीज़ें, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गए तो। और ग्रुप डिस्कशन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसकी तैयारी आप 1-2 दिन में कर सकते हैं, रिज़ल्ट आते ही ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आप हम प्लेलिस्ट भी बना दिया है कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे प्रैक्टिस करनी है, और सभी टॉपिक्स जो मैं डेली कराता हूँ तो आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ top 10 questions पर डे मैं कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों को लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ है या जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, वो आने वाले एग्ज़ाम्स को देंगे एयरफोर्स को, नेवी को, तो उनके लिए top 10 questions पर डे कराता हूँ, ताकि उनको और चीज़ें समझ में आए और उनके अंदर निखार आए, जो भी ईरर होते हैं उनको क्वेश्चंस फेस करने में काफ़ी आसानी हो। तो इस प्रकार से, और सुबह 7 बजे करेंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं देता रहता हूँ, और भी चीज़ें, मैं जीके की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ जनरल नॉलेज की, बाकी आगे बेसिक इंग्लिश की भी क्लासेस मैं लगाऊंगा, तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप तैयार रहिए, है ना। आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आपका रिज़ल्ट वगैरह आता है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी या टेलीग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार के क्विज और वहाँ पर PDF ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कब रिज़ल्ट आएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।